नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम सुपरवाइजर, आयुष विभाग और लैब टेक्नीशियन की परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके पात्र अभ्यर्थियों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ कोरोना काल के बीच अब मोर्चा खोल दिया है। पिछले साल परीक्षा पास कर ज्वाइनिंग लेने की मांग को लेकर एनएचएम और स्वास्थ्य अमले के चक्कर काट रहे अभ्यर्थियों ने ज्वाइनिंग देने की मांग को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ राजधानी भोपाल के रोशनपुरा चौराहे पर प्रदर्शन किया। आयुष चिकित्सा विभाग में पिछले साल 1200 पदों पर होने वाली भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर एग्जाम लिया था। एग्जाम सफल होने के बाद परीक्षा पास करने वाले परीक्षार्थियों को अभी तक ज्वाइनिंग नहीं दी गई है, जिससे उनमें रोष उत्पन्न होने लगा है। पात्र अभ्यर्थियों का मानना है कि स्वयं स्वास्थ्य मंत्री एक नेता के साथ डॉक्टर होने के बावजूद भी हमारी पीड़ा को नहीं सुन रहे हैं। अभ्यर्थियों ने जानकारी देते हुए बताया कि वह पिछले कई महीनों से ज्वाइनिंग देने की मांग को लेकर एनएचएम, स्वास्थ्य विभाग सहित सीएम से गुहार लगा चुके हैं, मगर उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। और यहाँ एसटीएलएस वाले लैब टेक्नीशियन आए हैं, तो हम लोगों की टोटल 1200 पोस्ट है, जिसका पिछले वर्ष ही जो है एग्जाम हो चुका है, रिजल्ट आ चुका है। हम लोग सेलेक्टेड कैंडिडेट है, लेकिन आठ महीने से हम लोगों को अभी तक ज्वाइनिंग नहीं दी गई है। ना ही राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और ना ही मंत्री, चाहे वो स्वास्थ्य मंत्री हो, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान जी हो, कोई भी जो है वो हम लोगों को ज्वाइनिंग नहीं दे पा रहा है। क्यों नहीं दे रहे, इसका कारण नहीं बता पा रहा है कि क्यों हमारी ज्वाइनिंग रोकी गई है। और इसी चीज़ को लेकर अभी एनएचएम जो है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, तीन तीन महीने की जो है वो अस्थायी नियुक्तियाँ कर रहा है, लेकिन हमारी पोस्टिंग को रोक के रखा है ना। तो हम मीडिया के माध्यम से ये बोलना चाहते हैं कि हमारी ज्वाइनिंग क्यों नहीं हो पा रही है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारा आंदोलन और उग्र होगा, हम उपचुनाव को भी प्रभावित करेंगे और आगे और जो है और ज़्यादा उग्र आंदोलन करेंगे। तो आप देखते रहिए न्यूज 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।